नय एवरीवन टुडे वी रीड चैप्टर थर्ड प्लांट्स अराउंड अस पार्ट 2 पेज नंबर 22 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट प्लांट के पार्ट्स अ प्लांट हैज मैनी पार्ट्स इट हैज रूट स्टेम लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स प्लांट के कई पार्ट होते हैं रूट स्टेम लीफ एंड फ्रूट लीव्स प्लांट्स हैव मैनी लीव्स पौधों में बहुत सारी पत्तियाँ होती हैं दे मेक फूड फॉर द प्लांट जो पौधों के लिए भोजन बनाती हैं स्टेम इट हेल्प्स अ प्लांट टू स्टैंड स्ट्रेट यह पौधे को सीधा खड़े रखने में मदद करता है इट कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट यह पानी और भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मोस्ट प्लांट्स हैव फ्लावर्स अधिकतर प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं दे ग्रो इन टू फ्रूट्स जो कि फ्रूट्स में ग्रो करते हैं रूट इट होल्ड्स द प्लांट टू द सोइल यह सोयल को होल्ड करके रखती है इट हेल्प्स इन टेकिंग वाटर फ्रॉम द सोइल यह मिट्टी से पानी को लेते हैं और विभिन्न भागों तक पहुँचाते हैं रूट के कारण ही पौधा मिट्टी में सीधा खड़ा रहता है पेज नंबर ट्वेंटी थ्री लीप्स कैन बी बिग और स्मॉल पत्तियाँ बड़ी और छोटी हो सकती हैं लीप्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स लीप्स डिफरेंट शेप और साइज की होती हैं जैसे बनाना लीफ मैंगो लीफ पीपल लीफ पपाया लीफ आप सभी लीप्स की शेप और स्ट्रक्चर देख सकते हैं सभी की शेप साइज और स्ट्रक्चर अलग अलग है एक्टिविटी वन देखिए मेक आ लीव ट्रेसिंग लीफ को ट्रेस करके बनाना फाइंडर ट्री और अ प्लांट नियर योर हाउस आप अपने घर के पास कोई भी प्लांट या ट्री देखिए कलेक्ट सम ग्रीन फॉलन लीव्स फ्रॉम द ट्री और प्लांट नियर इट जो आपके घर के पास पेड़ है उसकी हरी पत्तियाँ जो गिर गई हैं उनको आप कलेक्ट करिए पुट अ लीफ बिटवीन टू पेपर्स उस लीफ को टू पेपर्स के बीच में रखिए ले क्रायोन ओवर द पेपर एंड रब इट जेंटली और ऊपर से क्रायोन कलर को डालकर हल्के से रब करिए ऑब्जर्व द लीव ट्रेसिंग आप देखेंगे कि लीव ट्रेस हो गई है आपके पेपर पर सी इफ़ योर फ्रेंड कैन आइडेंटिफाई द लीव दैट यू यूज्ड फॉर ट्रेसिंग आप अपने फ्रेंड्स के साथ आइडेंटिफाई करने का गेम खेल सकते हैं कि बताइए ये लीफ किस प्लांट की है किस ट्री की है वेयर डू प्लांट्स कम फ्रॉम प्लांट्स कहाँ से आते हैं मोस्ट प्लांट्स हैव फ्लावर्स अधिकतर प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं दे कैन बी डिफ़रेंट कलर्स विद डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं फ्रूट्स होते हैं फ्लावर्स ग्रो इन टू फ्रूट्स फ्लावर्स ग्रो करते हैं फ्रूट्स से द लार्ज फ्लावर इन द वर्ल्ड इज रेफ्लेक्शिया आपको पता होना चाहिए कि हमारे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर है रेफ्लैशिया इट कैन ग्रो अप टू थ्री फीट टॉल जो कि तीन फीट लंबा होता है दैट इज़ ऑलमोस्ट एज़ टॉल एज़ यू जैसा कि आप होंगे अभी थ्री फीट नेक्स्ट देखिए पेज नंबर ट्वेंटी फोर ग्रेनेट फ्लावर ग्रेनेट फ्लावर ग्रोइंग इन टू फ्रूट कैसे उसका फ्लावर फ्रूट में चेंज होता जाता है ग्रेनेट फ्रूट बन जाता है और फिर ग्रेनेट को जब हम कट करते हैं तो उसके अंदर उसके सीड्स निकलते हैं तो फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम फ्रूट्स के अंदर अन सीड होते हैं सीड्स ग्रो इन टू न्यू प्लांट और सीड्स से ही न्यू प्लांट ग्रो करता है सम फ्रूट्स लाइक मैंगो प्लम एंड लीची हैव ओनली वन सीड इन साइड दैम इन फ्रूट्स के अंदर केवल एक ही सीड होता है फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड एप्पल हैव फ्यू सीड्स ऑरेंज और एप्पल जैसे फ्रूट्स के अंदर कुछ सीड होते हैं पेज नंबर ट्वेंटी फाइव फ्रूट्स लाइक वाटर मेलन एंड पपाया हैव मैनी सीड्स लेकिन वाटर मेलन और पपाया के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं देयर आर मैनी काइंड ऑफ सीड्स सीड भी विभिन्न प्रकार के होते हैं ग्राम राइस किडनी बीन्स व्हीट मेज़ एंड पीपर आर एग्जाम्पल ऑफ सीड्स ये सभी सीड के एग्जाम्पल हैं आपको विथ पिक्चर दिखाया गया है आप आइडेंटिफाई करना सीखिए ग्राम कैसे होते हैं राइस कैसा होता है किडनी बीन्स मीन्स राजमा कैसा होता है व्हीट गेहूँ मेज मक्का पीपर कैसे होते हैं ये सभी आइडेंटिफाई करना सीखिए विच सीड्स आर ग्राउंड एंड पोर्ड टू मेक आटा फॉर चपातीस कुछ सीड ऐसे भी होते हैं जिनको हम आटा प्राप्त करने में यूज़ करते हैं और उससे चपाती बनाते हैं तो आप बताइए ऐसा कौन सा सीड है जिसके पाउडर से हम आटा बनाते हैं और फिर चपातीज बनाते हैं वो है वीट W एच ई ए टी वीट वीट मीन्स गेहूँ एक्टिविटी टू देखिए टेक सम पी सीड्स आप पी के सीड्स लीजिए मटर के दाने लीजिए प्लांट दैम इन अ पॉट विथ सॉयल और उनको मिट्टी में दबा दीजिए वाटर दैम एवरीडे और थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए ऑब्जर्व दैम आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे वो डू यू सी आपने क्या देखा आप क्या देखेंगे आप एक्टिविटी करके बताइएगा क्योंकि सीड से ही प्लांट ग्रो करता है और पी के सीड पी के अंदर होते हैं मटर के दाने ही उसके बीज होते हैं ओके सो डू दिस एक्टिविटी पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स सनलाइट वाटर एयर एंड सोइल हेल्प द सीड्स ग्रो इन टू प्लांट्स सनलाइट वाटर एयर और सोइल ये सभी चीज़ें हेल्प करती हैं सीड को ग्रो करने में जो प्लांट का सीड होता है उसको ग्रो करने में हेल्प करती हैं ताकि वह प्लांट में कन्वर्ट हो जाए धीरे धीरे सीड जो है वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाए जैसा कि आप देख रहे हैं विद डायग्राम आपको दिखाया गया है अ सीड ग्रोइंग इन टू अ प्लांट कैसे सीड एक छोटा सा बीज प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है प्लांट में चेंज हो रहा है ग्रो कर रहा है रिमेंबर वाटर हेल्प्स द सीड टू ओपन अप एंड द बेबी प्लांट कम्स आउट जो पानी होता है वो बीज की मदद करता है पानी की सहायता से ही बीज धीमे धीमे खुलता है और उससे बेबी प्लांट निकलता है सम प्लांट्स लाइक शुगर केन डू नॉट है फ्रूट्स और सीड्स कुछ प्लांट्स जैसे कि शुगर केन में फ्रूट्स या सीड्स नहीं होते हैं न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द स्टेम्प ऑफ एन ओल्ड प्लांट पुराने प्लांट से ही न्यू प्लांट ग्रो करता है एक्टिविटी थर्ड देखिए प्लांट अ सीड टेक अ हैंडफुल ऑफ राजमा सीड्स टेक थ्री फ्लावर पॉट्स आपको थ्री फ्लावर पॉट्स लेना है उन पॉट्स में आपको राजमा के सीड डालना है पुट ऑफ यू सीड इन ऑल द थ्री पॉर्ट्स कंटेनिंग मॉइस्ड सोयल उस सोयल में जो थ्री पॉट में सोयल है उसमें आपको थोड़े थोड़े बीज डाल देने हैं लेबल एट द पॉट ए बी एंड सी और ए बी और सी पॉट को मैंशन कर देना है प्लेस पॉट ए बी इन सनलाइट ए और बी पॉट को आपको सनलाइट में रख देना है प्लेस पॉट सी इन द डार्क और सी पॉट को डार्क में मतलब अंधेरे बंद जगह में रख देना है वॉट आर द सीड्स इन पॉट ए एंड सी आप ए और सी को वाटर देते रहेंगे बी को वाटर नहीं देंगे तो राइट द ऑब्जर्वेशंस इन योर साइंस नोटबुक आपको अपनी साइंस की नोटबुक में लिखना है कि एक्टिविटी थ्री आपने की तो आपका क्या रिजल्ट आया रिजल्ट यही आएगा कि ए और सी को हम पानी दे रहे हैं बी को पानी नहीं दे रहे हैं तो बिना पानी के पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा तो बी वाले पॉट का पौधा मर जाएगा फिर सी जो पौधा है उसको हमने डार्क आ, डार्क में रखा अंधेरी जगह में रखा तो बिना सनलाइट के वो ग्रो नहीं कर पाएगा इसीलिए वो भी डैमेज हो जाएगा सिर्फ ए पॉट वाला प्लांट जो है वो ग्रो करेगा ओके